बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू साइरस किचन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही झटपट आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। कभी कभी आपको चटपटा खाने को दिल कर रहा है और आप पकौड़े बनाना चाहते हैं और घर में आलू नहीं है, तो तब क्या करना चाहिए, वो आज हम बना रहे हैं। ब्रेड पकौड़ा बहुत ही मज़े के बनते हैं और सबको पसंद आते हैं और झटपट से बन जाते हैं, तो और क्या चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये रेसिपी जो है आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 6 पीसेस ब्रेड लिए हैं। अब हम सबसे पहले इनके जो कॉर्नर्स हैं वो उतार देंगे। एहतियात के साथ इनके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने रिमूव कर देने हैं और उसके बाद जो है हमारा सेंटर पीस जो है उसे हम यूज़ करेंगे। अब सारी ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं वो हमें कट कर लिए हैं, तो इस तरह से इसे जो है दरमियान में हम कट कर लेंगे। अब हम बेसन का बैटर बना लेंगे। उसके लिए मैंने एक बड़ा कप भर के जो है वो बेसन लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे मसाले। ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1.5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें लिया है ज़ीरा पाउडर। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है कसूरी मेथी। 1/2 टीस्पून ही मैंने लिया है धनिया साबित। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा साबित। ये कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टीस्पून। 1/2 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर। ये अब सारे मसाले को हम ऐड कर देंगे बेसन में। अब थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर और इसे अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। हमें इतनी थिकनेस का बैटर हमें चाहिए। अब इसमें मैं ऐड करूंगी ग्रीन चिलीज और धनिया को मैंने कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर दूंगी। ये मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है, ये हम ब्रेड की एक साइड में अंदर लगाएंगे और दूसरी साइड से इसे जो है बंद कर देंगे। इसी तरह बाकी के ब्रेड में भी हम अंदर जो है वो केचप लगा लेंगे, इससे बहुत ही मज़े का जो है ना टेस्ट आ जाता है। अब फ्राई पैन में हम लेंगे ऑयल। ये इतना ऑयल मैंने लिया है कि जो हमारे ब्रेड हैं उसे हम फ्राई कर सकें। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। अब ये हम ब्रेड लेंगे, उसे डिप करेंगे जो हमने बेसन का बैटर बनाया है उसके अंदर, और इसे जो है हम फ्राई पैन में ऐड कर देंगे। अब जब एक साइड पे हल्का सा कुक हो जाए तो फिर आपने इसे टर्न आउट करना है ध्यान से। अब जब दोनों साइड से ये इस तरह से गोल्डन हो जाएगा तो ये हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो रेडी है, तो हम इसे सर्व कर सकते हैं। अब दोनों साइड से हमारे जो ब्रेड है वो इवनली कुक हो गई है, तो इसे जो है हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट पेज भी हमारा रेडी हो गया है, तो उसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही झटपट सी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार है। बहुत आसानी से बन जाती है और बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसे इवनिंग स्नैक्स में ले सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे ब्रेड पकौड़े रेडी हैं, बहुत मज़े के बने हैं और आई कॉन्ट वेट टू ईट दम। इवनिंग स्नैक्स के लिए बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि आप थके हुए घर आएँ और आपको जो है कुछ झटपट से बनाना है तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।